मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हमारे बाबूजी की जो संलेखना हुई है उस पर हमें दुख नहीं बनाना चाहिए, खुशी बनानी चाहिए कि हमारे बाबूजी को वेदना से मुक्ति मिल गई। लोग कहते हैं कि नमोकार मंत्र अनादिकाल से है। जन्म भी आत्मा का ही होता है, मरण जन्म भी शरीर का ही होता है, मरण भी शरीर का ही होता है। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अलग अलग रूप में आ सकती है। हमें कभी भी जन्म मरण पर दुखी नहीं बनाना चाहिए, ये तो जीवन का बस एक छोटा सा भाग होता है। अगर जीवन और अपन जन्म का अगर कल्याण मतलब दोनों खत्म करना चाहते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कठिन तपस्या करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मेरा मोह हो जाएगा, मैं कुछ कर ना लूं। हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर जन्म आ रहा है तो स्वीकार कर लो, मरण आ रहा है तो स्वीकार कर लो। भले हम बाबूजी की तरह भक्ति नहीं कर सकते, बाबूजी जितना भर नहीं सकते, पर उनका जो संलेखना है उसकी पालन तो कर सकते हैं ना। आत्मा तो अनादिकाल है, आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। जिंदगी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने दी है, ना कि दुख और सुख बनाने के लिए दी है। मैं चाहता हूँ कि कभी दुख मत बनाओ जीवन के लिए, ना कभी दुख बनाओ ना कुछ और करो। हमेशा तपस्या करो, भक्ति भाव करो और मोक्ष की प्राप्ति करने की कोशिश करो।